प्रीव्यू। ये आपके पास जो जॉब फेयर 3-4 दिन पहले किया गया था, तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है और आज क्या प्रोग्राम लिया आपने? हमारे पास पिछले जुमेरात को जॉब फेयर यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। लगभग 5 कंपनियों से उनके जिम्मेदार यहाँ आए हुए थे। अप्रोक्सीमेटली 300 के ऊपर युवकों ने अपना इंटरव्यू यहाँ दिया था, जिसमें से आज कुछ लोगों के हमारे पास जो अपॉइंटमेंट लेटर थे वो आ गए थे। उसमें वो सारे आपके सामने उन लड़कों को बुला के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है। अभी और लेटर्स, एक दो लिस्ट उनकी और आ जाएंगी। कुछ लड़कों ने कलेक्ट कर लिया है, कुछ लड़के अभी आ रहे हैं, उनके फ़ोन आए थे। तो हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इसमें से ये सब रोज़गार जो है लोगों तक पहुँच सके, और हम इरादा रखते हैं कि आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए भी हम इसी किस्म से जॉब फेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके लिए मैं मेरे मित्र संजय वाघमारे जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसमें बहुत परिश्रम लिया और इनका काफ़ी योगदान रहा। और मेरे साथ जो मेरी टीम थी, जिसमें हमारे अशफाक भाई, इरफान भाई, अहमद मुईनुद्दीन, शौकत भाई और बाकी हमारी सारी टीम हौसल रखी, ये सब इसमें लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल अदा करके इस जॉब फेयर को कामयाब बनाने की कोशिश। ये महिलाओं का जो बताया आपने, ये कब जॉब फेयर अरेंज किया जाने वाला है? इंशाल्लाह अगस्त फर्स्ट वीक में हम इरादा रखते हैं, क्योंकि जो कंपनीज में हम देख रहे हैं कि जहाँ महिलाओं के लिए जॉब्स हों, वो उन कंपनीज से हमने रابطہ किया है और वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट हमको अभी कुछ आ गई है, कुछ अभी बात हो रही है उनसे, तो उनके जिम्मेदारों को बुला के सिर्फ महिलाओं के लिए एक जॉब फेयर हम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें अभी बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग इदारों से कि वहाँ भी हम पहुँच सकें और उन लोगों को भी हम रोज़गार दिला सकें। अभी शहर और ज़िले में जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वेल क्वालिफाइड लोग है, स्किल है उनमें, उनको आज नौकरी नहीं है, आज परेशान है, तो ये क्या है सिलसिला, यही रुक जाएगा या आगे भी चलते रहेगा रोज़गार देने का आपके पास से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, फार्मा इंडस्ट्री से आते हैं या लिटरेचर से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये सारे लोगों ने, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, कॉमर्स है, ये सारे लोगों ने भी हमसे रब्ता किया। हमने उनके बायोडाटेज भी कलेक्ट किए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम अपनी तरफ से रोज़गार जितना भी हमारे शहर के जो वासी हैं उनको दिला सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वाघमारे साहब, काय सांगणार, आपण जे अरेंज केलं होतं जॉब फेअर, यामध्ये जे आपण जे आहे नियुक्तीपत्र वाटप केलेले आहे आज, तर काय स्थिती आहे याची? औरंगाबाद शहरामध्ये बेरोजगार लोकांची खूप वाईट स्थिती आहे। वैजापूर, येवला इथून काही विद्यार्थी आले, आता तुमच्यासमोर येवल्या वैजापूरचे मुलांनी घेऊन गेले, ओमकार म्हणून आहेत भालेराव, ते येवलाहून येणार आहेत, त्यांचं लेटर आहे, ते संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत येतील, तेही उद्या सकाळी जॉईंट होतील तिथं। आज आम्ही 100 लोकांचं अपॉइंटमेंट लेटर देण्याची प्रयत्न केला आणि करतो आहे, आणि याच्यानंतरही आम्ही असंच मोठा उत्सव घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे। महिला असेल, त्याच्यानंतर सुशिक्षित बी मेडिकलचे काही मुलं आहेत एंटरशिपसाठी, तेही असतील, बीचे आले, बी फार्मसीचे आले भैयाकडे काही लोक, तर आम्ही असे बी फार्मसीचे अजंट फार्मसी असे काही जे कंपनी असतील, फार्मसी असेल या असेल, डीएड जिथं जिथं आमचा प्रयत्न राहील, सर्व शाळेचे असतील आणि काही आम्हाला संस्था चालकांनाही मदत करावी की तुमच्याकडं कोणत्याकडं वेकन्सी असेल तर आम्हाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, आमच्याकडं खूप लोकांची बेरोजगारांचे नाव व नंबर आहेत, तुम्हाला वेल क्वालिफाईड वाटले तुमच्या इंटरव्ह्यूनंतर तुम्ही त्यांना जॉब द्या, हेच आम्हाला त्यांना नम्र विनंती करतो। ये जॉब फेअर में आप आए थे यहाँ पर, तो क्या हुआ, आपको जॉब मिला यहाँ पर? हाँ मिला। कहाँ से आए थे आप? वैजापुर से। ये कौन आयोजित किया था यहाँ पर जॉब फेयर, आपको पता है उनका नाम? उस्मानी साहब। तो क्या कोर्स की है आपने? बीए। बीए, तो क्या जॉब मिला है आपको? अप्रेंटिसशिप का। कौन सी कंपनी में? सीआई कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो क्या कहेंगे आप युवाओं के लिए, क्या मैसेज देंगे आप जॉब के लिए, कैसा करना, क्या करना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? जैसा कि बेरोजगारी के इसमें आज ये काम हमको मिला है, तो उस्मानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं, और खाड़े सर का भी, और
वाघमारे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दयानंद पठान। काय सांगणार, आपण जे जयसिंगपुरा येथे जे आयोजित केलेलं होतं जॉब फेअर, यामध्ये सहभाग घेतला, तर काय झालं, तुम्हाला नोकरी मिळाली का? हो मिळाली। कुठून आले होते आपण? मी हर्सुल ते पाणी। काय कोर्स केला तुम्ही? माझी 12वी झालेली आहे। आणि मला ॲप्रेंटिसशिपचं लेटर मिळालं। कोणत्या कंपनीचं? ARMS। हो का, तर कोणी आयोजित केलं होतं जॉब फेअर? संजय वाघमारे आणि चंद्रकांत सर खाडे। काय सांगणार आपण, मॅसेज काय देणार युवांना? बेरोजगारी वाढत आहे सध्या, तर मला असं वाटतंय की जेवढे बेरोजगार आहे त्यांना नोकरी द्या, आणि भायांचे सगळ्यांचे खूप धन्यवाद। तर केव्हापासून जॉईन करणार आहे आपण नोकरी? 8 तारखेपासून। उद्यापासून आहे का? कोणती कंपनी म्हटलं? ARMS। काय नाव आपलं? किशोर राजेंद्र वाडकर।